बिहार में बारिश को लेकर एक बार फिर से मौसम विभाग ने नई जानकारी दी है। आपको बता दें कि पिछली रात ही पूरे बिहार के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से अस्त व्यस्त दिखाई पड़ रहा है। हालांकि इस बीच राजधानी पटना में भी तेज बारिश हुए और अब मौसम विभाग ने जो जानकारी दी उसके अनुसार बताया जा रहा है कि अगले एक सप्ताह तक मानसून की मेहरबानी पूरे बिहार सहित आसपास के इलाकों पर बनी रहेगी। इस वजह से राज्य में लगातार झमाझम बारिश होते रहेंगे, इसके पूरी उम्मीद जताई जा रही है। 9 अगस्त को भी राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में सामान्य से मध्यम स्तर तक की बारिश होने की उम्मीद है। अगले 3 दिनों तक 10, 11 और 12 अगस्त को पूरे राज्य में जोरदार बारिश होने की उम्मीद है, मौसम विभाग ने लगाई है। आपको बता दें कि जिस तरीके से बिहार में खेती बाड़ी के अनुकूल परिस्थितियां बन रही है, इस बीच बिहार के कई इलाके में बाढ़ सा माहौल बना हुआ है। नदियों में उफान और पहाड़ों पर जो तेज बारिश हुई है, इस वजह से पहाड़ी इलाके में जहां लोगों का सबसे बुरा हाल है, वहीं अब किसानों के चेहरे पर खुशियों के साथ साथ तनाव भी दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि तमाम जो धान के बिचड़े हैं वो जो बाढ़ से स्थिति बनी है, इस वजह से जो बिचड़े हैं वो डूब गए हैं। दूसरी तरफ मौसम विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगले कुछ घंटे और कुछ दिन बेहद ही महत्वपूर्ण है, मानसून पूरी तरीके से एक्टिव रहेगा और इस वजह से कई इलाकों में बारिश होगी। इधर मौसम विभाग ने यह भी अलर्ट किया है कि बारिश के साथ साथ तेज गरज और बिजली गिरने की भी आशंका जाहिर की गई है। इधर मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण बिहार में मानसून सक्रिय रहेगा, तापमान में कमी के साथ साथ अधिसंख्यक जिलों में पूरे दिन बादल छाए रहने की संभावना भी जताई गई है, जिससे रुक रुक कर वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही दक्षिण बिहार के सभी जिलों में हल्की से मध्य स्तर की बारिश के भी आसार लगाए गए हैं। हालांकि दक्षिण बिहार की 5 जिलों में भारी वर्षा के भी संकेत मिल रहे हैं, इसमें कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, गया और बक्सर शामिल है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के जो अधिकारी हैं उनके आंकड़ों की बात करें तो राज्य के अरवल, औरंगाबाद, किशनगंज, नवादा, सिवान और पश्चिम चंपारण में इस मानसून में सबसे ज्यादा बारिश हो चुकी है, जो अब तक के रिकॉर्ड में दर्ज है। जबकि शेखपुरा, खगड़िया, जमुई, गया, बक्सर और बांका, अररिया में बरसात सामान्य से 20% कम रहा है। यह आंकड़ा भी मौसम विभाग के सामान्य बारिश के दायरे में माना जाता है। इस तरह राज्य में बारिश का आंकड़ा सामान्य की ओर तेजी से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकतर भागों में अच्छी बारिश हुई है। मौसम विभाग ने जिस तरीके से लोगों को सचेत रहने की अपील की है, मौसम विभाग ने सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले वक्त में और भी बारिश होंगे। वहीं दूसरी तरफ नदियों के किनारे रहने वाले लोगों के साथ साथ जो पहाड़ी इलाके में रहने वाले लोग हैं, उन्हें हिदायत दी गई है कि वो जलप्रपात और झील के किनारे नहीं रहें। नदियों के किनारे रहने वाले लोग भी सावधान रहें, क्योंकि लगातार बारिश होने से नदियों में जो जल वृद्धि है वो काफी तेजी से हो रहा है। हालांकि ये गनीमत है कि बिहार की राजधानी पटना और आसपास के इलाके में जो गंगा नदी है उसमें जो जलस्तर है वो खतरे के निशान के आसपास ही है, इससे लोगों को थोड़ी सी राहत जरूर है, लेकिन उनके सहयोगी नदियों में जो उफान है वो खतरे के निशान के ऊपर है, लिहाजा लोगों के बीच जो है वो तनाव बना हुआ है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।